बीजेपी ने एक बार फिर से दो मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। हरियाणा का मेवात इलाका मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, जहां पर 70 में से 80% मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी कमल खिलाना आसान नहीं है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने एक बार फिर से दो मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुहाना से एजाज खान को टिकट दिया। नू सीट से पिछली बार चुनाव लड़ने वाले जाकिर हुसैन की जगह संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम बाहुल्य मेवात इलाके की 3 विधानसभा सीटों में 2 पर मुस्लिम और 1 पर हिंदू कैंडिडेट को उतारकर बीजेपी ने राजनीतिक गणित बैठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कमल खिलाना आसान नहीं है। हरियाणा का मेवात इलाका मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, जहां पर 70 में से 80% मुस्लिम आबादी है। मेवात का केंद्र नूह जिला है, जहां पर 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ये नूह, पुरहाना और फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक हैं। कांग्रेस ने उन्हीं तीनों चेहरों को फिर से उतारा है। वहीं 2019 में नूह सीट पर जाकिर हुसैन तो फिरोजपुर झिरका सीट पर नसीम अहमद को उतारने का दाव कामयाब नहीं रहा, जिसके चलते बीजेपी इस बार अपनी रणनीति में बदलाव कर चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने नूह विधानसभा सीट पर मुस्लिम के बजाय संजय सिंह को टिकट दिया, जो सोहना से पार्टी विधायक है और राज्य में मंत्री हैं। नूह सीट पर भले ही 2019 में चुनाव लड़ने वाले जाहिर हुसैन पर भरोसा न किया गया हो, लेकिन फिरोजपुर झिरका सीट पर फिर से नसीम अहमद पर ही दांव खेला है तो पुहाना सीट पर एजाज खान के रूप में नए मुस्लिम चेहरे को उतारा है। पिछले चुनाव में पुहाना सीट पर बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट उतारा था, लेकिन इस बार मुस्लिम चेहरे को उतारकर सियासी बिसात बिछा दी है। मेवात क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों पर आज तक ना बीजेपी जीती है और ना ही कोई हिंदू समुदाय से विधायक बन सका है। इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर मुस्लिम विधायक ही अभी तक चुने जाते रहे हैं, जिसमें कभी कांग्रेस से तो कहीं इलेनो से कब्जा जमाया है। 1967 में हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद से मेवात में यही ट्रेंड रहा है, इसलिए कांग्रेस से लेकर इनेलो, जेजेपी और बीजेपी सहित सभी पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलती रही है। बीजेपी ने इस बार मेवात की सीटों पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उसके बाद भी जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। नूह विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक आफताब अहमद को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने राज्य मंत्री संजय सिंह को उतारकर बड़ा सियासी प्रयोग किया। संजय सिंह सोहना से विधायक है, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें नूह सीट से टिकट दिया। 2019 में नूह सीट से चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक जाकिर हुसैन के बेटे ताहिर हुसैन को इनेलो ने प्रत्याशी बनाया है। इस तरह नूह सीट का मुकाबला काफी रोचक हो गया, लेकिन क्षत्रिय समाज से आने वाले संजय सिंह की छवि हिंदुवादी है, जिन्हें उतारकर बीजेपी ने आफताब को भी घेरने की कोशिश की। 1967 में नूह से पहली बार रहीम खान ने चुनाव जीता था और वो एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। नूह सीट पर अब तक 15 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें से 6 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार इनेलो के विधायक चुने गए हैं, 5 बार निर्दलीय और 2 बार अन्य दलों को जीत मिली है। 2005 में हबीबुर रहमान निर्दलीय जीते तो 2009 में आफताब अहमद कांग्रेस से विधायक बने। इसके बाद 2014 में जाकिर हुसैन इनेलो से विधायक चुने गए थे तो 2019 में आफताब कांग्रेस से फिर जीतने में सफल रहे। बीजेपी ने नूह सीट से राज्य मंत्री संजय सिंह को टिकट दिया है, जो अभी तक गुरुग्राम में आने वाली सोहना सीट से विधायक थे। सोहना का कुछ हिस्सा नूह से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह खुलकर हिंदू कार्ड खेलते रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य नूह में बड़ा प्रयोग किया, लेकिन जाहिर हुसैन के बेटे की बगावत बीजेपी के लिए महंगी पड़ सकती है। हालांकि ताहिर के निर्दलीय उतरने से मुस्लिम वोटों में बिखराव का भी खतरा है, जो कांग्रेस की टेंशन बढ़ा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के विधायक सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आता है तो फिर कमल खिलाना मुश्किल है। फिरोजपुर झिरका सीट पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक ममन खान को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने सीट पर 2 बार के विधायक रहे नसीम अहमद को फिर से कैंडिडेट बनाया। जेजेपी से जान मोहम्मद के चुनावी मैदान में टाल ठोकने की बात है तो वहीं 2019 में ममन खान 37,000 वोटों से जीत दर्ज कर विधायक बने थे। इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पुराने चेहरों पर दांव खेलकर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया। 2009 और 2014 में नसीम अहमद ममन खान को मात देने में सफल रहे थे, लेकिन लड़ाई कांटे की रही थी। हालांकि नसीम अहमद दोनों बार इनेलो के टिकट पर जीतने में सफल रहे, लेकिन बीजेपी से चुनाव लड़ने का दांव कामयाब नहीं रहा। मुस्लिम बाहुल्य फिरोजपुर झिरका सीट बनने के बाद से 13 बार चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने सीट पर 4 बार जीत दर्ज की तो 3 बार इनेलो के विधायक चुने गए। इसके अलावा 5 बार निर्दलीय या फिर अन्य पार्टी ने जीत दर्ज की है। नूह दंगों के बाद फिरोजपुर झिरका सीट पर समीकरण बदल गए। बीजेपी के लिए सीट काफी मुश्किल भरी हो गई है, क्योंकि ममन खान के ऊपर आरोप लगने के बाद मुस्लिमों के बीच उनकी पकड़ मजबूत हुई है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए सीट आसान नहीं है। मेवात की तीसरी विधानसभा सीट पुनहाना
जहां से कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास को उतारा है। बीजेपी ने इस बार बुरहाना सीट पर मुस्लिम दाव खेला है और एजाज खान को प्रत्याशी बनाया। मोहम्मद इलियास और एजाज खान चचेरे भाई हैं। इस तरह बुरहाना सीट पर चचेरे भाई आमने सामने मैदान में उतरे हैं। एजाज अहमद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं जबकि इलियास लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। परिसमन के बाद 2009 में ये सीट सियासी वजूद में आई और नेलो के टिकट पर पहली बार इलियास विधायक बने। इसके बाद 2014 में रईस खान निर्दलीय विधायक चुने गए लेकिन 2019 में इलियास दोबारा से चुनाव जीतने में सफल रहे। मेवात के इलाके की 3 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिसके चलते मुस्लिम ही जीतते रहे हैं। मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए हमेशा से सीटें मुश्किल बनी रही हैं। 2019 में बीजेपी ने मेवात के 3 में से 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सकी। 2024 के लोकसभा में भी मेवात इलाके की सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में कम वोट मिले। इससे पहले 2019 और 2014 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मेवात इलाके में पीछे रह गई थी। 2023 में नूह इलाकों में हुई हिंसा के बाद मेवात के सियासी समीकरण बदल गए। मुस्लिम समुदाय बीजेपी से खास नाराज माने जा रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस के लिए मुफीद और बीजेपी के लिए मेवात इलाके में कमल खिलाना आसान नहीं है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।